आम आदमी पार्टी बगरू विधानसभा प्रत्याशी रितु सावरिया ने वार्ड 121 में जनसंपर्क किया। रितु सावरिया ने कहा कि बगरू विधानसभा के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। यहां की जनता कांग्रेस बीजेपी से त्रस्त है और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम बगरू विधानसभा जीतेंगे और साथ ही राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली और पंजाब की तरह राजस्थान में विकास की गंगा बहाएंगे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी पदाधिकारी के साथ जनसंपर्क में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। महंगाई की मार से हम लोग जूझ रहे हैं इतना, तो हम लोगों को समझना है और इस बार हमें आम आदमी पार्टी को लेकर के आना है। सभी की जिम्मेदारी बनती है, हम अपना परचम यहाँ पे इतना लहरा देंगे, इतना हम लोग मिलकर के काम करेंगे कि निश्चित ही बदलाव होगा। तो आप सभी लोग मेरे साथ में हैं, विशेष तौर पे मैं जो मेरी महिला शक्ति की टीम है जो हमेशा एक बार पुकारने पे ही मेरे साथ में खड़ी हो जाती है आकर के, उनको मैं विशेष तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ में रहेंगे। और महिलाओं में तो इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छे को हिला देती है, तो इस बार तो हमें इन दोनों सरकारों को यहाँ से हिलाना है। पूरी महिला शक्ति मेरे साथ है, हम बदलाव लेके आएंगे, लाओगे बदलाव मेरे साथ मिलकर के। इस बार हमें 25 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, तो इस बार हमें झाड़ू पे ही वोट देना है। अपने रिश्तेदार, मित्र, परिचित, आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, आप सभी लोगों को ये कहिए कि इस बार आम आदमी की पार्टी की सरकार बनाएंगे और झाड़ू पे ही वोट देंगे। सभी हम लोग मिलकर के एक जिम्मेदारी निभाएंगे। आज से 1.5 साल पहले की मैं आपको बात बताती हूँ, इनका जो संघर्ष है उसके लिए हमने एक कार्यक्रम भी रखा था कि संघर्ष को सलाम, लेकिन वो किसी कारणवश हम लोग कर नहीं पाए थे क्योंकि केजरीवाल जी के आने का प्रोग्राम बन गया था। तो आमिन भाई, अब आपका संघर्ष, हमारे साजिद भाई का संघर्ष और हम सभी का संघर्ष बहुत रंग लाएगा, क्योंकि हमारे साथ अब हमारी जनता जनार्दन वो हमारे साथ में है। तो हम सभी मिलकर के संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साजिद भाई, हमारी वार्ड 121 से अध्यक्ष हुमा जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बगरू से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रितु जी मेरे साथ मौजूद है। मैम, आज जनसंपर्क चल रहा था आपका, तो क्या रिस्पांस आया है, क्या पब्लिक आपको रिस्पांस दे रही है, चाहती है कि राजस्थान की सरकार में एक बार फिर से बदलाव आना चाहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए? जिस तरह से आप संबोधित कर रही थी जनता को और कह रही थी कि बदलाव का समय है तो बदलाव लाना चाहिए, तो क्या लगता है आपको कि कितने प्रतिशत तक आम आदमी पार्टी बदलाव ला पाएगी? जी, ये रिजल्ट आपको भी देखने को मिलेगा, जैसा कि 25 नवंबर का जो दिन है उसके बाद में आपको निश्चित ही बहुत ही पॉजिटिव यहाँ से रिजल्ट मिलने वाला है। अच्छा। क्योंकि जो हमारी विधानसभा है बगरू विधानसभा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो बगरू विधानसभा हमारी सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा रह गई है। अगर यहाँ के जो मौजूदा विधायक हमारी रही हैं, अगर उनके काम की बात की जाए या पहले उससे पहले जो बीजेपी के यहाँ पे जो विधायक रहे थे उनके कामों की बात की जाए, तो विकास के नाम पे हमारी विधानसभा बहुत पीछे रही है। जी ठीक है, क्या मुद्दे मानती है मैम आप बगरू विधानसभा की? अगर मैं बात करूं तो जो किस तरह के जो मुद्दे हैं जो सबसे चरम पर है, उनका विकास किया ही नहीं गया है, और अगर आप विधानसभा में जाती हैं तो किस तरीके से विकास करेंगी? जी देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ पे पानी है। ये चलाते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत ये होता है कि भाई सभी को पानी मिलना चाहिए, घर घर तक पानी पहुंचना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जनता प्यासी मर रही है। अच्छा। यहाँ तो माफियाओं का खेल चल रहा है, माफियाओं से पैसा आता है, ये एजेंट बन करके बैठ जाते हैं, उन तक पैसा पहुंचता है। जब टैंकरों से पानी की सप्लाई हो सकती है तो घर घर तक पानी, वो पानी कहाँ से आ रहा है? वो पानी भी तो घर घर तक पहुंच सकता है। सबसे पहला मुद्दा तो पानी का ही है कि यहाँ की जनता प्यासी मर रही है। दूसरा ये है कि यहाँ पे सड़कों की बहुत हालात खराब है। आज हमारे एरियो में आप काफी एरिया ऐसे हैं, जाकर के आप देखिए, वहाँ का आप विजिट करेंगी तो आप खुद देखेंगे कि वहाँ के हालात कितने बदतर बने हुए हैं। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों के आप हालात देखिए कि बच्चे हैं स्कूल से, मतलब उनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। स्कूलों का एक शिक्षा के नाम पे व्यापारीकरण हो गया है। जी, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं विधानसभा में। तो आम आदमी पार्टी क्या लगता है राजस्थान से कितनी सीट अपने खाते में लेकर चल रही है?
जी आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। पूरी हम 200 विधानसभा में लड़ने जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा। जनता जनार्दन है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, तो शिक्षा की बात आपने करी कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, वो शिक्षा से जो है वंचित रह जाते हैं, शिक्षा उनको नहीं दिलाई जाती है। तो जब आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में आएगी तो सभी बच्चों को शिक्षा दिला पाएगी, पानी घर घर तक पहुंचा पाएगी, या और भी जो स्थानीय मुद्दे आपने मुझे बताए, सभी मुद्दों को अच्छे तरीके से समाधान करके लोगों तक पहुंचाएगी? जी बिल्कुल निश्चित ऐसा ही होगा, क्योंकि हम दिल्ली और पंजाब में भी ऐसा ही कर रहे हैं और हमारे राजस्थान को भी, मेरी बगरू विधानसभा को भी, हम सभी मिलकर के जनता के सहयोग से ऐसा बनाएंगे। जनता जनार्दन का मेरे साथ में है। ठीक है, क्या कह रही थी आंटी आप बताइए। हम ये कह रहे थे, हम यहाँ इस कॉलोनी में 18 साल से रह रहे हैं और यहाँ की बदहाली ऐसी है कि हम पानी तो पीने को मिल भी जाता है टैंकरों का, ये अब आ भी गया है, लेकिन जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो निकलने की कोई जगह नहीं। अच्छा। और हम इतने परेशान हैं, आस पड़ोसी में झगड़े होते रहते हैं कि पानी कहाँ ले जाए, तो नालियों से जूझ रहे 18 साल से, 10 सड़क है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी कॉलोनियां, दो कॉलोनियां, यहाँ कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है। हम दूसरी कॉलोनियों में धक्के खाने जाते हैं और वहाँ इतनी भीड़ होती है, हमारे नंबर मुश्किल से आते हैं इलाज के लिए, हम परेशान। एक बार बताइए, रितु जी आई है यहाँ पर बातचीत कर रही है, तो आपको विश्वास हो रहा है, या फिर जैसे और पार्टियां भी आती हैं, कांग्रेस भी यहाँ पर रही है, बीजेपी रही है, वो भी बात करती होंगी, तो रितु जी की बात किस तरह से आपको अलग लग रही है कि रितु जी आकर आपके लिए कार्य करेंगी यहाँ पर? जी बिल्कुल, हमें इसलिए विश्वास है कि नेट का जमाना है, हम देखते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, वहाँ की जनता कितनी खुशहाल है। तो हम आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हमारी ऋतु सामरिया, जैसे इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी कॉलोनियों की बदहाली दूर करेंगे। ठीक है, क्या कह रही थी आंटी आप बताइए। अपनी पार्टी हो तो अच्छा है ना, इससे तो बढ़िया। अभी कौन सी पार्टी अपनी पार्टी मानता है? अपनी जनता पार्टी, अपनी ये अपनी पार्टी है। क्या नाम है इस पार्टी का, जिस पार्टी से ऋतु जी आई है? आम जनता पार्टी है। अच्छा, आम आदमी पार्टी, तो इसको आप अपनी पार्टी मानती है? अच्छा, तो ऋतु जी विकास करेंगे यहाँ पर? करेंगी, विकास बराबर लग रहे हैं हम लोग साथ में, लग रहा है। अच्छा, इससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी भी आई, सुनो मेरी बात, कांग्रेस आई यहाँ पर आके, उन्होंने करा भी विकास, वादे भी करे, काफी करे। लॉकडाउन में मैंने फोन भी करा, मेरे पास फोन नंबर था, उन्होंने, मैंने कहा गरीब आदमी भूखा मर रहा है, इनको कोई सहायता दिए? तो क्या बोला उन्होंने, कि कमा के पहले से रखते वो लोग, अच्छा हम कहाँ से देंगे इनको सहायता। हाँ। मैंने खुद ने 1 लाख का आटा मंगा के बांटा यहाँ पब्लिक, और मैंने व्हाट्सएप करके भी जाया। अच्छा, मतलब आप अपने खर्चे से ही अपनी जो है जरूरत की चीजें, जरूरत की चीजें वह करते हैं। सही कह रही है, वो अपने खर्चे से जरूरत, तो हम बोल ही नहीं पाते। क्यों आंटी, बोल क्यों नहीं पाते? बताइए, परेशानी है जो, बताइए हमें परेशानी क्या, जो इंसान खड़ा हो रहा है, खड़ा हो रहा है तो कुछ समझी के खड़ा हो रहा है, जो दिल को विश्वास दे रहा है तो कुछ दे के कर रहा है ना। बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए अम्मा जी, इनकी अच्छाई है, जब ही तो हम लोग कर ही रहे हैं। अच्छा, अच्छाई है, और इससे पहले गंगा जी में अच्छाई नहीं दिखती थी? कुछ नहीं हुई, जब तो हमने उनको साथ दिया पहले तो। अच्छा। पर हमारे को धोखा ही धोखा दिया उन्होंने, क्या करा? बताइए अंकल, रितु जी एक मिनट, रितु जी वादे कर रही हैं यहाँ पर, आपके बच्चों को पढ़ाएंगी, पानी दिलवाएंगी, क्या लगता है आपको? ये था है कि वैसे शुरू से मैं कांग्रेस ही रहा, मगर 2013 से जब दिल्ली में मैंने आम आदमी पार्टी को देखा, तो सबसे मेरा रुझान जारी हो गया कि आम पार्टी, पार्टी वो पार्टी है जो कुछ कर सकती है। आप बताओ आंटी। यही हमारा तो यही इरादा है कि यहाँ पे पानी के लिए भी करा जा रहा, और ये गटर लाइन की जो है ये लाइन भी आना चाहिए, इससे भी बहुत परेशान है हम। आप बताइए मैडम, क्या लगता है गंगा देवी जी ने कितना विकास किया है, रितु जी कितना विकास? अच्छा, रितु जी से बातचीत करने से पहले एक सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मैदान में है, भाजपा भी मैदान में आई हुई है, मुकाबला मान रहे हैं आप थोड़ा बहुत उनसे, या फिर दिल्ली पर जिस तरीके से विकास हुआ है उसके तर्ज पर आप यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, या फिर आम आदमी पार्टी को अपने विश्वास पर, अपने कार्य के विश्वास पर इतना भरोसा है विकास पर, तो आप सीट निकाले जाएंगे? बिल्कुल, जैसा हम लोग दिल्ली में, पंजाब में हम लोग करते हुए आ रहे, राजस्थान की जनता भी उन कामों को देख रही है। हाँ। और निश्चित ही मैं यहाँ पे काफी समय मुझे विधानसभा में लगे हो गया, जब हम सत्ता में नहीं होकर के जनता के लिए, जनता के अधिकारों के लिए हम लोग लड़ सकते हैं, तो सत्ता में आने के बाद में हम क्यों नहीं काम करेंगे? तो हमारा दिल्ली पंजाब है, तभी हमें जनता चाह रही है, जनता विश्वास दिला रही है, और जनता की विश्वास में मैं पूरा खरा उतरूंगी, और बगरू विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा और एक ईमानदार, जिससे जनता जो आज जितनी परेशानियों से जूझ रही है, मैं सभी मेरी बगरू विधानसभा वासियों को, बगरू की जनता को पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे क्षेत्र में जितनी समस्याएं हैं, मैं उन्हीं समस्याओं को आप सभी लोगों के सहयोग से उसे पूरा करूंगी, और बगरू विधानसभा को राजस्थान की एक आदर्श विधानसभा बनाऊंगी। ठीक है, नारे भी यहाँ पर लोग
लोग लगा रहे हैं। अच्छा ऋतु जी, दिल्ली अपनी है, पंजाब अपना है, तो अब राजस्थान भी अपना सा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अच्छा। क्योंकि जनता चाह रही है, जनता हमें पूरा विश्वास दिला रही है और मैं जनता के साथ में हूँ। पूरा राजस्थान आम आदमी पार्टी के जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट आए हैं सब जनता के साथ में, हम लोग काम करेंगे, बिल्कुल संघर्ष करेंगे और राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार लाएंगे। बिल्कुल मैडम, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 121 से हुमा खान, और मेरा ये कहना है कि जब मैं शादी करके आई थी ना, सबसे पहले मेरा पहला वोट कांग्रेस को ही गया था। अच्छा। क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे, जब मेरी शादी हुई थी, तो कांग्रेस से इस उम्मीद से डाला था वोट कि जब मैं यहाँ पे तो डेवलपमेंट नहीं था। अच्छा। और आज भी कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पर। अच्छा। आज लेकिन आम आदमी पार्टी का इतना डर है कि रातों रात सड़क बन गई है यहाँ पर। अच्छा। ये आम आदमी पार्टी का ही डर है। अच्छा। जो सड़क बनी है रातों रात, क्यों इतने दिन पहले से क्यों नहीं बनी सड़क, आज क्यों बनी है? लग रहा होगा ना आम आदमी पार्टी आ गई है, सीट डर है, आम आदमी पार्टी का डर है, ये डर है जो पानी की, आम आदमी पार्टी का डर है, जब भी तो पानी आ गया, आम आदमी पार्टी का डर है, जब तो सड़कें बन रही है रातों रात, दिन में क्यों नहीं हो रहे काम, रात में क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे अंकल आप बताइए मुझे। मैडम मैं इसी वार्ड से हूँ और मेरे को 18 साल हो गए इस वार्ड में जी। हम इस चीज से, हर चीज से, मतलब नाली से, रोड से, हर चीज से परेशान हो गए। यहाँ के जो पार्षद हैं हमारे, उनके पास गए, उनके पास में अगर हम बात करते हैं, सर हमारे यहाँ पे मोहल्ले में ये सुविधा नहीं है, हमारे पास गाड़ी, कचरे की गाड़ी नहीं आती, हमारे पास में झाड़ू लगाने वाले नहीं आते, लेकिन हम तमाम सुविधा से आपको वंचित रखा गया है। हम बिजली के बिल में वो हर चीज का पैसा दे रहे हैं, हर बिल में हम इस चीज का पैसा भर रहे हैं। अच्छा। लेकिन नहीं आता, हमने सुबह से पूरा झाड़ू लगाई है, अपनी साफ सफाई की, अपनी जरूरत के लिए हम अपना काम करते हैं। चलिए अच्छा, मुझे एक बार बताइए ऋतु, जब यहाँ पर आ गई आम आदमी पार्टी यहाँ पर आ रही है, वो मैडम कह रही है कि डर है आम आदमी पार्टी का, है ना, तो क्या लगता है आपको ऋतु जी सीट निकाल के ले जाएंगे आपके विधानसभा? बिल्कुल बिल्कुल निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी मैडम, हम साथ विश्वास करा दो, क्या लगता है? हमें लगता है यही जीतेंगे, और बचपन से हम जीतेंगे, आप जिताएंगे? जिताएंगे हम, दो बताइए अंकल, लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा जीतेंगे, ऋतु जी के साथ हैं जी हाँ। अच्छा आप बताइए भैया। हम आंदोलन के समय से लगे हुए हैं 12 साल से। अच्छा ये हमने दिल्ली में 3 बार अरविंद जी अपने काम के बेस पे सीएम बने हुए हैं, और रिकॉर्ड वोट पूरे वर्ल्ड में, ऐसा रिकॉर्ड वोट नहीं है, 70 में 67 सीटें, 67, 62 सीटें। पंजाब में भी हमने रिकॉर्ड कायम किया काम के बेस पे, भगवत मान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुजरात में भी हमने बहुत वोट्स लिए। अभी राजस्थान की बारी है, राजस्थान में अच्छे कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी के पार्टी इस समय सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि बगरो विधानसभा की जितने जनता है वो ऋतु जी के साथ है। हाँ जी हाँ जी, आम आदमी पार्टी को लाना चाहती है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जो बीजेपी को मौका दे लिया, कांग्रेस को मौका दे दिया, अब जनता ने ठाना है कि आम आदमी पार्टी को लाना है और देश को विकसित बनाना है, अच्छा बना रहे इसको। मतलब अब एक कहीं ना कहीं एक ऐसी उम्मीद है कि जो विकास है वो आम आदमी पार्टी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या कहेंगे भैया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई भी कैंडिडेट हो, एक तो शिक्षित होना चाहिए जो, और उसको अपने एरिया का ज्ञान होना चाहिए, अपने क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे जो ऋतु जी हैं, तो हम इनका पूरा सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि शिक्षित है, दोनों कैंडिडेट ऐसे है नहीं, तो और ये इनको पूरा घर घर का, मतलब एक एक एरिया के पूरी जानकारी है, सबकी समस्या, शिक्षित है तो काम अच्छे से कर पाएंगे। क्या कहेंगे मैडम आप? हम पार्टी के साथ में ही है। अच्छा आम आदमी पार्टी के साथ में, आप भैया? जी बिल्कुल, हम ऋतु जी के साथ है और हम आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन करते हैं। तो जितने अभी तक जनता से भाई मेरी बातचीत हुई है, तो सबसे पहली बात निकल कर आती है कि जो भी प्रत्याशी उतरता है चुनाव लड़ने के लिए वो शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षित, बतौर शिक्षित प्रत्याशी विकास को एक नई दिशा देता है, क्यों मैडम? जी बिल्कुल, तो नई दिशा वो देगा तो कार्य यहाँ पर होंगे, विकास यहाँ पर होगा, हर घर यहाँ पर जल पहुंचेगा, बच्चे जो है वो पढ़ पाएंगे। तो बगरो विधानसभा जो है लग रहा है कि ऋतु जी के साथ है और आम आदमी पार्टी को लाना चाहती है, तो लगता है कि सत्ता में जो है बदलाव हो सकता है। बाकी मैदान में और भी पार्टियां हैं, जनता किसको वोट देगी वो बाद में तय करेंगे। एक अंकल हैं जो बड़ी गर्दन हिला रहे हैं मेरी बातों से, जरा सामने आइए, आइए 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 आइए, बताइए, अब जानते हैं इनको? खूब जानता हूँ, खूब खूब जानते हो। अच्छा, तो बात कर रही है वो आपके बच्चों के लिए, आपकी सुविधा के लिए, क्या लगता है आम आदमी पार्टी करेगी? करेगी, बिल्कुल करेगी। अच्छा बिल्कुल करेगी, तो वोट जाएगा? जाएगा जाएगा जी, हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है हमें अरविंद जी पे, पूरा विश्वास। खड़ी हुई हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे खुद को बदलाव चाहिए हमें। चलिए देखो, बदलाव की आवाज यहाँ पर उठ रही है, बदलाव की आवाज यहाँ पर उठ रही है। बाकी और बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है, दिल्ली पंजाब में चल रहा है, तो बगरू में भी आएगा, राजस्थान में भी आएगी, और जरूर जीतेंगे हम, ऋतु जी के साथ हैं, हम जरूर जीतेंगे। और भी जो चीजें हैं जो जनसंपर्क रहेगा, बिल्कुल
शिक्षा फ्री मिलेगी तो हम सब उसी को ही वोट देंगे ना। केजरीवाल बोलते हैं, वादे नहीं देते। अच्छा ठीक है, गारंटी गारंटी ठीक है, ठीक है भाई, गारंटी लेते हैं वो। तो आगे जितना ऋतु जी जो है जनसंपर्क करेंगी वो भी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे एक्सप्रेस न्यूज़।